आज मैं कर रही हूँ अपना गो टू मेकअप विच इज आई लाइनर। और मैंने अपना सारा मेकअप सीखा है नताशा मथर्स डिसूजा से। सो नाटा इफ यू आर वॉचिंग दिस डोंट क्रिंज, डोंट बी लाइक दीदी प्लीज डोंट डू दिस। मैंने अपना मुंह धोया और मुंह धोना जरूरी होता है दोस्तों मेकअप करने से पहले। वही नहीं मेकअप थोप देना अपने मुंह के ऊपर। मैं कोशिश करूँगी और प्रे करूँगी कि ये लाइनर सीधा बन जाए। बहुत ही आराम से करना पड़ता है ये। और कोई बात नहीं, अगर ऐसे गलती हो गई तो आप इंसान हैं और इंसानों से ही गलती होती है, जैसे मेरे से हो गई है। बोलना भी है मुझे, फिर सब कुछ शूट भी करना है मुझे, और फिर मेरे को मेकअप भी करना है, सारा काम मुझे ही करना है, सफाई भी शॉपिंग भी। हमने बताया नहीं ना हम कहाँ हैं। कायम लाइनर लगा के बताती हूँ। गड़बड़ है पर तो डर नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो हम ठीक नहीं कर सकते। बस ये हो गया तो माना आप रेडी हो 10 मिनट में, क्योंकि इसी का आधा घंटा लग जाता। अगर मैं इससे ज़्यादा करीब गई तो मैं इसी में समा जाऊँगी। तो हम कहाँ हैं हम? थोड़ी देर में बताती हूँ अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ लोग जो मेकअप करते हैं अपना, तो पहले वो आई मेकअप करते हैं या पहले वो बेस करते हैं और फिर आई मेकअप करते हैं? आई नो जो लड़के व्लॉग देख रहे हैं उनको लगेगा कि ये हमसे कैसे सवाल करिए, तुम लोगों के लिए नहीं है, मैं लड़कियों से पूछ रही हूँ कि पहले आप आई मेकअप करते हो फिर बेस करते हो या फिर पहले आप बेस करते हो फिर आई मेकअप करते हो? क्योंकि नताशा जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है वो पहले आई मेकअप करती हैं और फिर वो बेस को टैकल करती हैं, और मैंने उनसे ही सीखा है। एंड इट्स सो मच ईजियर, क्योंकि यार आप पहले बेस कर लो और फिर आई मेकअप करो, फिर आप आई मेकअप मेरी तरह से क्यूपिड से, ये क्यूपिड ईयरबड, हाँ ईयरबड से आप साफ कर रहे हो, ऐसा नहीं चल सकता ना। अब मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपनी त्वचा पे। हम टाइम करें क्या, मुझे मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? हाँ टाइमर लगाओ। अब मैं थोड़ा सा वो कर लिया ना, क्या बोलते हैं मॉइस्चराइजर, अब मैं थोड़ी सी अपने आईब्रोज बना रही हूँ। पिशी 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 पिशी। नताशा का भी ना जी धड़क रहा होगा ये देख ये क्या कर रही है। बट मैं इतना बुरा मेकअप नहीं करती, ठीक ठीक करती हूँ, बुरा नहीं करती हूँ, बस चुपचाप मैं अपने मेकअप करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ। मैंने कल ही अपने सारे ब्रशेस साफ करे हैं। गुड गर्ल, थैंक यू। अब मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी क्रीम और, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रखी है। मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा लग गया। अब मैं इतना प्रेशर है ना आज, इतना गंदा मेकअप होने आ रहा है। मैं लगा रही हूँ स्किन टिंट, इतना सा स्किन टिंट अपने हाथ के पीछे, और मैं इसे मिक्स करूँगी। मैं इसको ऐसे ऐसे डैप कर दूँगी। मैं सोची थी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँ, पर भगवान ने जब हाथ दिए हैं तो उनका इस्तेमाल करना करा जाए। पता नहीं मुझे मच्छर मुंह पे क्यों काटते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मीठा कौन, मच्छरों को मीठा कौन पसंद है? हाथ पैर पे काट लो ना, यहाँ मुंह पे काटने की क्या जरूरत है? पप्पी देके जाते हैं ना वो। और वो भी सुबह सुबह शूट पे जा रही है। हमेशा हमेशा शूट से पहले मुझे मुंह पे मच्छर काट जाता है, कोई भी एड शूट हो, जब मुझे दंगल नहीं मिली थी तब की बात है, यहाँ काट जाता था इतना बड़ा। मैं लगा रही कंसीलर, जो ही तो सीख ले, फिर तो मेरा मेकअप कर दिया। ठीक है, हेयर भी सीख लो क्या फिर? हेयर भी सीख लो। नहीं बिल्कुल नहीं, नताशा मार देगी, सिर्फ नताशा मेरा मेकअप करेगी और कोई नहीं। बहुत हल्के हल्के से करिए। पता नहीं मैं ब्रश क्यों यूज़ कर रही हूँ, बड़ा बन रही हूँ मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो मैं हाथों से ही कर लेती हूँ सब कुछ। पर आज मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट लुक अ प्रोफेशनल, आई वॉन्ट लुक लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है? समझ ही नहीं आता कि मैंने ज़्यादा लगाया कम लगाया, और लगाऊँ नहीं लगाऊँ, आई डोंट नो। मे बी हम ये कंसील कर सकते हैं अपनी ये किसेस।
यहाँ ऐसे मच्छर बना सकता है तू? मच्छर पप्पी देते हुए यहाँ एक ऐसा मच्छर वाला इमोजी। ओके पहले जो हमने कलर हटा दिया अपने फेस से वो हम वापस डाल जो हमने कम फील करा था जो कलर हमने हटा दिया अपने फेस से उसको हम वापस भरेंगे अब बैठ के। यही होता है मेकअप में। और कितना अच्छा लगू यार, एक इंसान कितना अच्छा लग सकता है। ठीक है हेल्प मत करियो। देखते रहे यार, मुझे लगता है थोड़ा सा काजल लगा लेना चाहिए ना। सी ओके हम कहाँ हैं, हमने अभी तक बताया नहीं है। ऐसे ट्रक्स की आवाज कहाँ से आ सकती है? बहुत जगहों से आ सकती है। नहीं ऐसे ऐसे वाली मुंबई में ऐसी नहीं बजती, मुंबई में ऐसी बजती है। अभी भी हम बताएंगे, हम बाद में बताएंगे कि हम कहाँ पर हैं। ओके हेयरस्प्रे लगाना। ओके कान में डाल दिया। कान भी चिटके रहेंगे अब। I will drop a link for my outfit, my earrings in the description below. Ready? सातवां रेडी है ये आपका। तीन बार ही रेडी हो चुके। रेडी रेडी रेडी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग गेस करोगे हम कहाँ हैं। रेडी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। ओ वेलकम नहीं एंड है। ओ यार सॉरी, मैं अभी बाहर गई थी तो आपने वाघा बॉर्डर तक का देखा, फिर हम वाघा बॉर्डर से निकले, मैं वापस आई और फिर मुझे लग रही थी जोरों से भूख और मैंने कहा कि मैं अमृतसर आई हूँ तो कुछ अच्छा तो खा के जाऊँगी। तो मैं और मेरे डायरेक्टर मेघना गुलजार मैम हम लोग गए केसरदा ढाबा। हमने खाई, मैंने खाई मिस्सी रोटी, दाल, रायता, पालक पनीर, साग। खाना बहुत टेस्टी था। सो हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सैम बहादुर एंड आई कैन नॉट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल फिल्म एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर the love that I get. See you and I'll be back again.